को मैसेज हो गया, ज़्यादातर कहा जाता है कि आप दिमाग घर पर लेकर आइए, तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप दिमाग साथ में लेकर आइए और देखिए। और मैं, अगर आपने देख ली फिल्म, क्या होता है ना, तो अगर एंड तक आपने देख ली और आपको अच्छी लगी तो मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि आप ये पिक्चर के साथ बाहर निकलेंगे और वो आपके दिमाग में चलती रहेगी कि क्या कहना चाहती है, क्या मतलब, क्या मतलब क्या है इसका। और बहुत टाइम तक वो आपको तो आपके साथ रहेगी, अलग अलग जगह पर आप कभी नाश्ता कर रहे हैं, कभी दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो कभी कोई डायलॉग आ जाएगा, कभी कुछ चीज़ आ जाएगी, कभी कोई सच्चाई, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी सच्चाई से जुड़ी हुई है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन होगी, इकोनॉमिक सिचुएशन होगी और कॉमेडी के थ्रू इस तरह। और इस फिल्म में एक पोइट्री भी है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग व्हाट सर सेड, वो सब भी है, प्लस एक पोइट्री है, वो बहुत ब्यूटीफुल पोइट्री है, तो वो चीज़ के लिए ज़रूर ध्यान से देखनी पड़ेगी, दिमाग के साथ देखनी पड़ेगी, तो दिमाग पोइट्री मतलब देखिए क्या होता है, हर डायरेक्टर जो मेरे लिए अच्छी एक स्क्रिप्ट है वो दूसरे डायरेक्टर के लिए स्क्रिप्ट होती है, तो मैंने मैंने मेरा मानना है कि जितनी कहानी कम हो उतनी सुंदर फिल्म बन सकती है, तो उसमें फिर आपको पोइट्री का भी चांस मिल जाता है, क्योंकि जितनी कहानी होती है तो फिर आप कहानी में उलझ जाते हैं, जितनी कहानी कम होती है तो उसमें आपको ट्रीटमेंट, पूरी ट्रीटमेंट पे आपको ध्यान रखना है। गाने जो भी हैं, क्योंकि मैं मेरी फिल्म में ज़्यादातर अपने गाने बने तो वो स्क्रिप्ट से जुड़े हुए, दो गाने हैं, एक सिचुएशन से जुड़ा हुआ और एक पॉलिटिकल क्लाइमैक्स में, मतलब वो गानों में 7 गाने हैं, 5-6 गाने हैं, बट वो छोटे छोटे गाने हैं जो पॉलिटिकल सॉन्ग है, बट कॉमेडी है और क्लाइमैक्स। उसको कहेंगे कि भाई देखिए हमारी बहुत छोटी फिल्म है लेकिन हमने बहुत बड़ी कोशिश की है, जिसमें मेरा ये भी मानना है कि छोटी फिल्म बड़ी कोशिशें कर सकती है, क्योंकि वो अलग एक अलग दुनिया में ले जा सकती है, एक अलग एक्सपीरियंस दे सकती है, हमारी ये कोशिश है, और थ्रू कॉमेडी है, थ्रू लाइटनेस है, थ्रू पॉलिटिकल सटायर है, आपकी सच्चाई से है और आपको एक अच्छी तरह से भरोसा दिया है, लेकिन आप अगर एंजॉय करेंगे, हमने तो ये कोशिश की आप एंजॉय करें और कुछ साथ में ले जाएँ उनके पास।